हाँ सर, कुछ पूछना सर? मुझे थोड़ा सा थोड़ा सा साइड आ जाइए सर। संसदात्मक शासन प्रणाली में सारी शक्तियां किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास। और अध्यक्षात्मक शासन है तो राष्ट्रपति के पास। रोल नंबर बता। 300 393 Thank you.
चुनाव फॉर्म करवा था राज्य में यही मूल अंतर है कि भारत जो वहां है राज्य स्टेट अलग हो सकता है लेकिन यहाँ कोई भी यहाँ का राज्य अलग नहीं हो सकता है। अच्छा ये बताओ कि जो आपने देखा कि अभी हमने आपसे ठीक कौन प्रश्न बताया था ना संसदीय दृष्टि बाई पूछा था आपने संसदात्मक और अध्यक्षात्मक शासन। तो संसदात्मक शासन प्रणाली में सारी शक्तियां प्रधानमंत्री के पास होती है और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली राष्ट्रपति पास। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है किस देश में? ये अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली जैसे अमेरिका में है और भारत में। अमेरिका में जो है जैसे अमेरिका में संसद तो संसदीय शासन प्रणाली की मूलभूत विशेषता क्या यही बता दूंगा। मूलभूत विशेषता ये है कि सर शासन का जो प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री होता है जबकि राष्ट्र का जो प्रमुख होता है वह राष्ट्र प्रमुख राष्ट्रपति होता है। शासन के प्रमुख का जो चुनाव होता है वह जनता प्रत्यक्ष रूप से स्वयं करती है जबकि राज्य शासन के प्रमुख का जो चुनाव होता है पीएम का जनता मतलब प्रत्यक्ष रूप से स्वयं करती है जबकि राष्ट्र के प्रमुख का चुनाव होता है जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा उसका चुनाव किया जाता है। संसदीय और अध्यक्षीय में मूलभूत अंतर क्या है? संसदात्मक और अध्यक्षात्मक प्रणाली में मूलभूत अंतर सर ये है कि इसमें शासन का प्रमुख तो पीएम होता है जबकि उसमें अध्यक्षात्मक तो बता दिए तो सर इसमें मूलभूत अंतर ये होता है सारी शक्तियाँ पीएम पास होती है और जो इसमें मंत्रिमंडल जो कहता है मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति सब काम इसमें करती है जबकि अध्यक्षात्मक में सभी शक्तियाँ जो होती है राष्ट्रपति के पास होती है। शासन प्रणाली में